मोहतरमा, अगर आपको कुछ लेना तो ठीक है, नहीं तो अपने घर को जाइए। अरे वो उससे करवा ले, ओ अमित वो खड़ी उससे करवा ले, ओए अंदर घुस जा। क्योंकि अभी वापस भी जाना है, उतना टाइम चाहिए, कोई कुछ खाएंगे पियेंगे प्रोसेस करेंगे कोई भी फूड को तो टाइम चाहिए, इधर इससे ज्यादा आगे नहीं जाना है। Grande. Yeah. And one croissant. One liter. No. Do you speak any other language? Deutsch or nee? Only French. Yeah. And a little bit English. Un croissant. Croissant? Yes. Ah, we don't have. Do you have? We just have ice cream and one waffle. Waffle. one big coffee, one waffle, one cappuccino, one espresso, one having a look, what do you want to eat? It's just ice cream or waffle. Waffle, I'm lucky. In which oil they are fried? Oil. Waffle oil. Chocolate. Okay. Caramel. No. Okay, oh. A cappuccino and espresso. That's all. Merci beaucoup. लैंग्वेज का लोचा पड़ गया, इन्हें आती है सिर्फ फ्रेंच और हमारे इंजन आपको आती है जर्मन और पॉलिश स्पेनिश थोड़ी सी और हमें आती है सिर्फ अंग्रेजी। तो अभी हमने बोला कि इस तरह के बस दो कॉफ़ी ले लो बाकी बात देखी जाएगी। अब एक काम करो, ये पाऊजी बैठे हैं देख लो एक बार, अगर कुछ खाने को है और तो वो ले लो। कर क्या रहा हो तू? जानता है यार तू कुछ खाने को है तो देख ले। अजी मैं बताऊँ कि वाफल, और वाफल को मेरे हिसाब से फ़ायदा रहा खाने को क्योंकि वे है ऑयल में डीप फ्राइड। अच्छा। पता मैं कौन सा ऑयल ना पता होगी मतलब, और यू तुम कंफ्यूज कर रहे हो कौन से ऑयल में या वैसे इंग्लिश ऑयल आ रही It means we can have French fries. Yeah, sure. And a cappuccino. Alright. The cappuccino I can do it here, but the French fries would have to be ordered over here. Yes. Okay. So we can pay you there for cappuccino? No, I think it would be more efficient if you pay for your whole order over on the. Okay. We will pay an order there and we will ask you. Yeah, and do you want to wait here or take away? No. Yeah, I'm gonna bring the cappuccino. Thank you. Merci. चलो अब लैंग्वेज का बटन दो चाय यहाँ, मतलब इंग्लिश को ऐसी लैंग्वेज नहीं जो पूरी दुनिया में चल रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि थोड़ी बहुत समझ सबके आती है। जहाँ पहले भी हम एक वेटर्स मिले थे उन्होंने बोला कि मुझे इंग्लिश थोड़ी सी आती है, सेम इन्होंने बोला, लेकिन ये सज्जन थे उन्होंने उनको बुलाया जो वहाँ पर कॉफ़ी वगैरह सर्व कर रहे हैं कि उन्हें इंग्लिश आती है। तो उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे पास वेज में यहाँ कोई बर्गर ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग काम किया और मैंने पूछा कि फ्रेंच फ्राइज तो ठीक होंगी वो तो आलू की हैं, तो बोला हाँ जी ये तो है। फिर दूसरा प्रश्न था क्योंकि यहाँ पर क्या होता है यूरोप में कि ये और गलत तरीके के ऑयलों में मतलब कि आप समझ रहे होंगे उसमें भी ये फ्राई कर देते हैं। तो मैंने पूछा कि भाई ये कौन से ऑयल में, तो उन्होंने बोला है कि ये बॉम्बे सनफ्लावर ऑयल में है। और हम उनको मैंने पूछा कि फिर दोबारा कि क्या आप उनको अलग अलग फ्राई करते हैं बाकी चीज़ों को उनके साथ या अलग करते हैं? बोले फ्रेंच फ्राइज हम अलग फ्राई करते हैं। तो एक यही ऑप्शन बचा है कि हम फ्रेंच फ्राइज लेंगे और एक और कैपेचिनो लेंगे। तो अब हम एक फ्रेंच फ्राइज लेंगे और कैपेचिनो लेंगे और साथ में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ऑर्डर करते हैं यहाँ पर जो कियोस्क लगे हुए सेल्फ कियोस्क ऑनलाइन के। अभी जो है काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ पे, अब थोड़ी घट गई है और टाइम भी हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं है भाई। अभी है मतलब वी वुड बी एबल टू ऑर्डर एंड हैव हेयर। ओके सो देयर आर नाउ थ्री, अब यहाँ पर तीन मशीन वर्किंग है तो शायद अब जल्दी नंबर आ जाएगा। आई थिंक टैप का तो होगा ऑप्शन, टैप करने का ऑप्शन तो यहाँ भी होगा, टैप तो अब है ही मतलब जिसको बोलते हैं कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स। गुड, नहीं अभी फ्रांस में कोई दिक्कत ना है ऑनलाइन। कहाँ पे? यहाँ कोई दिक्कत ना ऑनलाइन पेमेंट्स, मतलब पेमेंट्स कार्ड से करने। नहीं सैलेड कैसा होगा? वहाँ हमने कॉफ़ी पी, वहाँ एक्चुअली इनका क्या था कि इनका कमीशन सेट था वहाँ पे,
इसलिए हम इतनी दूर ले गए लुटवाने के लिए, वहीं से सेटिंग बनी होगी लुटवाने की। तो वहाँ 7 यूरो और 40 सेंट हमसे ले लिए एक कॉफ़ी, वो मैंने बड़ी ली थी, मैं तो छोटी लेता नहीं, लेकिन उन्होंने एक्सप्रेस ली थी इतनी सी, मतलब ये इतनी सी बिल्कुल, इसके 7 यूरो 40 सेंट ले लिए। क्यों जी, कितनी कमीशन मिली फिर आपको वहाँ से? 10% के लिए इन्होंने हमें लुटवा दिया। अरे कमीशन मारते थोड़ी अच्छी तो मारते हैं, कमाल कर दिया आपने। मोहतरमाएँ, अगर आपको कुछ लेना हो तो ठीक है, नहीं तो अपने घर को जाइए। ले भी ले जी, आराम से यही चक्कर है, इनको प्रेशर नहीं रहता दूसरे का, खड़े रहो। और ये हम इतनी आगे आ गए हैं, मैं तो ज़्यादातर लोग डिस्टेंस काफ़ी मेंटेन करके रखते हैं। मैं जैसे पहले गया था उस मशीन पे, मतलब एक आदमी था, अभी इतना गैप था, मैंने सोचा कि शायद इसी में लग रहे हैं तो हम चतुर हैं उसमें चले जाएँ, लेकिन उन्होंने बोला कि एक ही लाइन है इसके लिए, मतलब इसके बाद ही वो आगे बढ़ेंगे, या तो इस पर नंबर है, इस पर आ जाए। चलो जी, अब मैं आपको दिखाऊँगा कि ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करते हैं। चलो जी, यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करो, इसके बाद नो, ईट इन के बाद में आई पे, उसके बाद में अब ड्रिंक्स में चलो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ और हमारे लिए कुछ है नहीं। हॉट ड्रिंक्स मैक कैफे, कैपेचिनो, डैम व्हाट इज दिस, ये बड़ा साइज तो नहीं है कहीं? चॉकलेट ऊपर है कुछ, पता नहीं यार, ये पंगा क्यों लेना है? बड़ो 3-5 नहीं नहीं छोटा ले ले, एक तो पी लिया बहुत है। पिकअप लेटर क्यों? ठीक है, अब दोबारा ड्रिंक्स पे जाओ, और यहाँ पे देखो कुछ ठंडा है, गोट चीज लिखा है इस पे। तो गोट चीज क्या लिखा है यार? इसका श्योर नहीं है, तो जरूरी नहीं है। मैं तो अपने ले रहा हूँ फिर। हाँ ले ले, फ्राइज। फ्राइज नॉस फ्राइज क्या है ये? मिल्क शेक है। हाँ ये ले लो, ठीक है। सबसे बेस्ट है यूजुअली स्ट्रॉबेरी है क्या? स्ट्रॉबेरी सबसे बेस्ट। हाँ जी ले लो इसको, ठीक है। अब उस पर जाओ फ्रेंच फ्राइज पे। ये बड़ी ले ले, लार्ज फ्राइज। केचप लाल ही ठीक है, क्या हम ले ली? लाल सॉस, वैलिडेट ऑर्डर, फिनिश ऑर्डर। ये 191 ऑर्डर था जो हमें यहाँ पर डालना था, और उसके बाद पेमेंट होएगी। दिस इज फॉर द कॉन्टैक्टलेस अप्रूव, तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट चल रही थी और हमारा ऑर्डर हो गया है। टेक योर सीट, सी भी एक तरफ कैन गो ना? नो, यू हैव टू थैंक यू, मर्सी बकू। चलो जी, ऑर्डर हो गया जी। अब उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं यार एक बार कि हमारा ऑर्डर दे दो बाबू जी। ट्रेन का टाइम एकदम हो गया, हमने सोचा जल्दी ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन भीड़ की वजह से कुछ हो नहीं पाया। तो उनसे जाके हमें जिन रिक्वेस्ट की कि भैया हमारी ट्रेन है, दे दो हमें कुछ। अब यहाँ ये टैप का चक्कर आ गया, तो जो मिला वो ले लिया। अभी टैप का चक्कर, और टिकट कहाँ है? टैप जरूरी है? तीनों की है कैसे? तीनों को मैं एक तुम देते रहूँगा ना फोन पे, तो हम दोनों निकलते हैं, तू लास्ट में ही हो, टैप करता रहियो। अब ये और एक आफत है, छोड़ दो बैग में ले आऊंगा आपका। हां टैप कर दे दो। थोड़ा बड़ा कर ले, थोड़ा बड़ा कर दे भाई। कौन सा नॉर्मल इसे टिका दे उस पे। चलो जी, मैं हुआ पार, अब ये भी आ जाएंगे। चलो जी, ये भी तो हमारे बाबू जी हैंग पोजीशन के हैं ये। अरे वो उससे करवा ले, ओ अमित वो खड़ी उससे करवा ले। ये हमारा पढ़ा लिखे तो ज़्यादा जाते हैं, उनकी कहानी बस यही है बस।
फिर किसी की सुनते नहीं है। और ये है जी बुलेट ट्रेन, वैसे मैं पहले बैठ चुका हूँ बुलेट ट्रेन में जापान में। टाइम ख़त्म, भागो भागो भागो, बैग लेके भागो। या और आप पता नहीं हाथ में रखेगा तो काम नहीं है। सारे नंबर क्या क्या क्या, सबसे लास्ट में रे, चल दौड़ जा। हमें उसको तू छोड़, इसको मैं कंट्रोल करूँगा। बढ़िया, छोड़ दे तू, एक सेकंड मान नहीं था। 18 नंबर कहाँ है देखो, चलो चलो चलो, दौड़ दौड़ दौड़ो दौड़ 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 दौड़। कितनी देर है इसमें, हैं कोई तो घट रहा है। पांच आ गया, उससे पूछो ट्रेन वाली से, तो भारी खड़े जब तक थोड़ी जाएगी ट्रेन, इससे पूछो। 18 चलो जी, 18 लास्ट में। दौड़ लगा दी भाई, दौड़ लगा दी, दौड़ लगा दी, दौड़ लगा दी। ये होता है बुलेट ट्रेन से दौड़ लगा दी है, ये होती है टाइम का चक्कर जो मैं रोता रहता हूँ तुम्हारे आगे के। चलो चलो चलो, एक्सक्यूज मी, घुस जा, घुस जा अंदर ना, देव हट जा। अब खींचो इसे, पीछे आ इसके। It's 18 number. But yeah, you see the coach is 18, but the number of seats. I don't know. You don't know. So you can just watch and go in your number of seats. 896 something like that. 96. चलो 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 चलो. Yeah yeah. In this video. Yeah. Merci beaucoup. दौड़ते भागते किस तरह सीट पर आके बैठ गए, इतने पसीने आए कि गर्मी हो गई, और मैकडोनल्ड की मील भी आखिरकार मिल ही गई, और हमें मिला एक फालतू कैपेचिनो का। पता नहीं कैसे उन्होंने गलती से दे दिया, हमने एक ऑर्डर किया था, फिर दो मिल गए, और अब थोड़ा थोड़ा हम खा रहे हैं क्योंकि सुबह का खाया हुआ है। बाकी ट्रेन अच्छी है, बहुत स्मूथ है। मैं तो बुलेट में पहले बैठ चुका हूँ जापान में 2018 में, और उसके बाद अभी मौका मिल रहा है जब हमारे हिंदुस्तान वाले जब बैठेंगे। बाकी ठीक है, अब देखो जब पहुंचेंगे जब पता लगेगी। बाकी बहुत ज़्यादा दौड़ हो गई, मतलब एकदम फिल्मी सीन बन गया इसको ट्रेन को कैच करने में। कॉफ़ी वॉफ़ी सब ठंडे हो गए, थोड़ी फ्रेंच फ्राइज खाएंगे। क्यों जी, फिल्मी सीन हो गया बिल्कुल आज नहीं हुआ। यस एकदम टनाटन। वेलकम टू चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट। हमें चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पर और बुलेट ट्रेन डी बोर्ड कर ली है। अब हमें ढूंढना अगला रास्ता अपने होटल तक पहुंचने का। सोनू सब ओके है, फोन चलो
एयरपोर्ट से गूगल मैप्स देखा, 350 नंबर की एक बस आनी थी जो हमें लेके जाएगी नियरेस्ट रैम्प स्टेशन पर, जो रूट हमारा था, और उसके बाद हम होटल पहुंचेंगे। तो उसकी टिकट्स जो है वो तुरंत अवेलेबल नहीं थी। एयरपोर्ट के टर्मिनल से आपको लेके आते हैं यहाँ एक तरह के बस स्टैंड पर, और यहाँ से 10 मिनट वो बस रुकती है, इसलिए कि जो पैसेंजर आए वो रुक जाएंगे और यहाँ से हम टिकट लेंगे। So the day pass is possible here also? Yes. But is it? Is it possible? It's for 24 hours or it's for one day? It's for one day. So it will expire today at 12. Oh, okay. Then where is the ticket center for? Tickets in the station. There? Yes. All right. Thank you. वो 10 मिनट के लोग हैं, इतने में हमें टिकट खरीदनी और वापस वहाँ पहुँचना है। भागो, आई एम कमिंग विद द कार्ड। कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट कर देंगे अगर हो जाए, वो भाग रहे हैं क्योंकि 10 मिनट है हमारे पास।